स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता दूं, ये डेली न्यूज़ को आप लोग पहचानते होंगे सबसे पहले तो, और इन्हें तो ज़रूर ही पहचानते होंगे। इनका आज डेथ हो गया, जस्ट अभी कुछ देर पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके कुछ देर पहले इनका डेथ हो गया है। बहुत ही बुरी खबर है, हम सभी बचपन से इन्हें देखते आ रहे हैं। चलिए आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप लिखिएगा ताकि इनके आत्मा को शांति मिले। इनके आत्मा को शांति के लिए हम लोग प्रार्थना ही कर सकते हैं। चलिए तो आगे का जो बात है वो उन लोगों के लिए है जो इनके आगे बायोग्राफी में इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले बता दूं एक चीज़ आप लोगों को कि बहुत ही कम इनके बारे में लोग जानते हैं और बहुत ही कम नोन फैक्ट हैं, बहुत ही अननोन ही है, नॉट नोन सब कुछ आपको मिलेगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे निक नेम नहीं पता है, बस रियल नेम पता है नीलम शर्मा। हाइट आप लोग देख सकते हैं 157 सेंटीमीटर है और 5 फुट 6 इंच की थी, और आई कलर ब्लैक, हेयर कलर ब्लैक। डेट ऑफ बर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है ये नॉट नोन है। मुझे ये नहीं विश्वास हो पा रहा है मीडिया में रहते हुए इतनी पॉपुलर आदमी का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है। और मैं सर्च करके आपको दिखाऊंगा, बहुत ही मुश्किल हो रहा है इनका एज पता करने में, लेकिन मैं बताऊंगा अप्रॉक्स कितना हो सकता है। नेशनलिटी इंडिया है। अब देखिए यहाँ पे बाकी जो भी है, कॉलेज लेडी फ्री राम कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन दिल्ली की पढ़ी हुई थी, इस्लामी यूनिवर्सिटी में। फादर एंड मदर का नेम नहीं पता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। लिफ्टिंग म्यूजिक था इनका, और मूवी देखना और म्यूजिक सुनना बस। चिल्ड्रन का भी नाम नहीं पता है, हस्बैंड का भी नाम नहीं पता है, मनी भी फैक्टर भी नहीं पता। बहुत ही मुश्किल हो रहा है इनका नाम पता करने में, इन फॉर इनका एज पता करने में। देखिए मैंने यहाँ पे सर्च ही किया था नीलम शर्मा न्यूज़ एंकर एज विकिपीडिया, ठीक है, मुझे तो नहीं मिला। आप लोग अगर मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या है एज और सब कुछ डिटेल में थोड़ा बताइएगा। वैसे मैं जहाँ तक मुझे लगता है, मैं जो आज न्यूज़ पढ़ रहा था उसके हिसाब से देखिए दिखाता हूँ एक चीज़। हाँ देखिए विकिपीडिया ऑफ इंडिया मीडिया के बारे में मैं खोला हूँ, उसमें भी कुछ नहीं बताया जाएगा, बस बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है इनके बारे में। चलिए तो मैं बता देता हूँ कि अप्रॉक्स इनका एज कितना होना चाहिए। अभी अप्रॉक्स एज वैसा कि आज न्यूज़ में मैं पढ़ा हूँ, न्यूज़ में पढ़ने के बाद मुझे जैसा लगा कि देखिए यहाँ पे मैं न्यूज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, एक चीज़ दिखाने के लिए मैं खोला हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20 साल से करियर में नीलम शर्मा काम कर रही है दूरदर्शन में। तो 20 साल से ये काम कर रही हैं, इसका मतलब है कि 30 साल की एज में इनका जॉब लगा होगा, चलिए 27 में लगा होगा, 25 में लगा होगा। तो इनका एज अगर 30 में लगा होगा तो 20 हो की जॉब की है, तो मतलब समझ लीजिए कि है 50 हो गया इनका। और मान लीजिए थोड़ा और कहीं भी जॉब की होंगी तो हो सकता है मेरे लिए 50 से ऊपर 55 से 60 के बीच में होगा इनका एज। मुझे जहाँ तक लगता है इनका एज 55 से 60 तक का एज होगा। आप लोग बताइए कि इनका एज कितना होगा, अगर आप लोगों को अगर पता लगता है तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ रिप लिखना ना भूलिएगा, रिप जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी जो भी मैं बताया, हस्बैंड का नाम भी नहीं पता है और चिल्ड्रंस का नाम भी नहीं पता है, एज भी नहीं पता है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये 55 से 60 के बीच की होंगी। बहुत ही दुख की खबर है, मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कितनी एज की है, कितनी एज की हैं, कमेंट भी आ रहे थे, तो मैं सोचा वीडियो ही बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे सब कुछ दिखा हुआ, हाइट वेट एंड सब कुछ देखिए, ये देखिए बहुत ही मुश्किल से बस हाइट इनका पता था। डेब्यू की थी ये 1995 में, 20 साल का करियर था DD न्यूज़ में, दूरदर्शन में, और इससे ज़्यादा इनके बारे में और कुछ नहीं पता अभी। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।